हेलो, दिस इज सुशांत शेलार। यू आर वॉचिंग मी ऑन timesofindia.com। मैं इतने ही दिन रहना, ये मेरी डेस्टिनी थी। थोड़ा सा प्रेशर मुझ पे था। जो सच है, सही है, वो जल्दी आपको दिखेगा। देश की सभी महिलाओं का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सही मेरी फ्रेंड ने रही ट्रॉफी को जीतने के लिए उसने एक स्ट्रेटेजी प्लान की है। मुझे मेरे डॉक्टर को दिखाना सही समझा मैंने, और वो मेरा रॉन्ग डिसीजन था। How was your journey in Bigg Boss Marathi? It was nice. बहुत ही अच्छा जर्नी था और 50 दिन बहुत अच्छे तरीके से गए, लेकिन जो हाइपर एसिडिटी का इशू हुआ उसके कारण मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैं बिग बॉस मराठी और कलर्स मराठी का शुक्रगुजार हूँ कि एक विलक्षण अनुभव मुझे इस शो के दौरान हासिल करने के लिए मिला। You left the house midway, so was there any other reason apart from the health issue? हाइपर एसिडिटी का अटैक था और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं खेल रहा था और मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी के आगे कुछ नहीं होता। तो ये शो में इतने ही दिन रहना, ये मेरी डेस्टिनी थी, तो इस कारण मैं आउट हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पार्टी ने मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे एक्टिंग के बारे में हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। लेकिन जो हाइपर एसिडिटी की तकलीफ हुई उसके कारण एक मेंटली जब मुझे डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बिग बॉस फॉर्मेट के, तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे अंदर भेजना सही नहीं समझा। लास्ट वीक जुई गडकरी ब्लेम द शो मेकर्स फॉर शोइंग योर ग्रुप इन बैड लाइट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे का शो है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो डेढ़ घंटे में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको जो कुछ भी चीज़ें हाईलाइट्स लगती है वो चीज़ें वो दिखाते हैं, और अगर कुछ गुड़ी गुड़ी दिखाना हो तो उनके सारे डेली शोज है उसमें वो सब दिखाते हैं, तो ये शो का फॉर्मेट जिस हिसाब से है वो हिसाब से ही वो दिखाना पसंद करेंगे। लेकिन जो सच है और जो सही है वो जल्दी आपको दिखेगा। यू एंड मेघा धड़े आर फ्रेंड्स इन आउटसाइड वर्ल्ड। यू हैव ऑफन सेड दैट शी इज नॉट लाइक दिस इन आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल, क्योंकि उसकी एक स्ट्रैटेजी है ट्रॉफी के हिसाब से, और वो ट्रॉफी को जीतने के लिए उसने एक स्ट्रैटेजी प्लान की है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी आदमी को बहुत बुरा कर देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रैटेजी से बाहर निकल कर जो सचमुच में जो मेगा धाड़े है वो लोगों के सामने आए। वहाँ पे मैंने दो दिन हेल्थ का जो सारी ट्रीटमेंट थी वो मैंने ली, लेकिन मेंटली मुझे मेरे डॉक्टर को दिखाना सही समझा मैंने, और वो मेरा रॉन्ग डिसीजन था, और उसके लिए मैं मुंबई आया, और उसी के लिए मैं आज शो से बाहर हूँ। On social media, some people have expressed a deep hatred against you. What's your take on this? नहीं, मुझे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अगर 10% लोगों ने मुझे नेगेटिव समझा है, तो वो जो बाकी लोगों के समर्थक है या बाकी लोगों के फैन है, उनको अगर बुरा लगा रहेगा तो वो टास्क के हिसाब से था, वो उनके वृत्ति के लिए था, और वो कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है, ग्रजेस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को भी बाद में ये बात समझ में आएगी, और रियल सुशांत शेलार जो है वो उनको ज़रूर पसंद आएगा। You have always said that you have a particular image among the viewers. Can you tell more about that, as in what exact image you hold? लोगों ने मुझे काफ़ी बार मदद करते हुए देखा है, लोगों ने काफ़ी बार मुझे दोस्ती निभाते हुए देखा है, और लोगों ने मुझे काफ़ी बार प्यार करते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगता था कि मैं जो ये भड़क रहा हूँ या यहाँ की जो सिचुएशन है वो लोगों को पता नहीं है, तो ये 24 घंटे में जो कुछ भी होता है वो दिखा नहीं सकते, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार सुशांत मिसबिहेव कर रहा है, तो उसका एक थोड़ा सा प्रेशर मुझ पे था। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने दूध जो होता है जो उबलता है और वो बाहर आता है, तो मैं भी एक व्यक्ति हूँ, और वो व्यक्ति के हिसाब से जो मुझे वो वक्त सही लगा वो मैंने लोगों को दिखाने की कोशिश की। आई रिस्पेक्ट लॉट वुमेन, लेकिन वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि वुमेन को पता था कि सुशांत जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, सुशांत को अगर ट्रिगर करे
तो वो गेम से आउट हो सकता है, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी और वो स्ट्रैटेजी का उन्होंने सही टाइम पे इस्तेमाल किया, लेकिन उससे थोड़ा ऐसा हो गया कि सुशांत के बारे में, मतलब मेरे बारे में लोगों को ऐसा लगा कि सुशांत रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसे डॉटर है और देश की सभी महिलाओं का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। आखिर में गेम है तो उन्होंने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की कि मैं जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलूँ। किन लोगों ने इमेज खराब करने की कोशिश? सही लोकुर ने की, प्रवोक किया मुझे, मेघा मेरे दोस्त होने के बावजूद मेघा ने किया, तो ये दोनों के नाम मैं जरूर लूँगा। With whom you won't be friends from the show after it ends? भूषण कडू। You won't be friends? Won't be friend, सही मेरी फ्रेंड नहीं रहेगी।